कोल्हापुर जिले में चुनावी माहौल गर्म है। चुनाव को लेकर जिले में नाकाबंदी कर दी गई है, तो वहीं नाकाबंदी के दौरान एक कार से 62,68,000 रुपए नगद मिले हैं। जिसके कब्जे में वो कैश थी, उनको कैश के बारे में कुछ कहना या उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो दे नहीं पाए, इसलिए वो कैश शाहूपुरी पुलिस स्टेशन कोल्हापुर ने जब्त करके अगले इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में पंचनामा करके लेके आए हैं। अगला इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोल्हापुर करेगा, उनको हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। कन्नौज में आज भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अपना नामांकन कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। देखिए, इस बार का चुनाव जो है ये मोदी जी के ऊपर देश की जनता के विश्वास का प्रतीक है। जिस प्रकार से आज लोगों के अंदर एक उत्साह है और जिस विश्वास के साथ एक बार फिर से देश की जनता नरेंद्र भाई को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है, मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में सभी सीटों के ऊपर सिर्फ एक ही प्रत्याशी है और उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। और इस बार हम सब लोग फिर से एक बार इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश के गरीबों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए हम लोग मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए गठबंधन संकल्प को कन्नौज में किस भूमिका में देख रहे हैं? देखिए, ये गठबंधन का जो स्थिति है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, ये गठबंधन दो राजनीतिक दलों के लोगों के बीच में है और यह गठबंधन लखनऊ में बैठकर हुआ है। लेकिन आज जो जमीन की हालत है, जिस प्रकार से मोदी जी के 5 वर्ष के काम से और लोगों में जिस प्रकार से उनके प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज लोगों ने मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाकर गांव-गांव जनता ने आपस में गठबंधन कर लिया है। ये जनता का गठबंधन है और मैं समझता हूँ जब जनता का गठबंधन होता है तो फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता। एक विषय दूसरा, चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए प्रत्याशी किसी भी हद तक जाते दिख रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी श्यामल सांथरा अपने प्रचार के दौरान लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वे कभी किसानों का मसीहा तो कभी पिछड़ी जाति हमदर्द दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने लाभ लश्कर के साथ लोगों के बीच उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। गेंदा फूलों की माला और पीले रंग के कुर्ता पायजामा पहने खच्चर पर बैठे लोगों से वोट मांगते दिख रहे हैं। धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन आज हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को देश की जनता के साथ मजाक बताते हुए कहा कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वादे जनता से किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, लिहाजा इस बार का घोषणा पत्र अगली बार झूठा साबित हो जाएगा। इससे ये जाहिर हो रहा है कि देश की जनता के साथ मोदी सरकार केवल और केवल छलावा कर रही है। देखिए, बीजेपी ने जो 2014 में मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। वो मैनिफेस्टो जो 2014 में जारी किया था वो आज झूठा सिद्ध हो रहा है और जो आज ये झूठा मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं ये कल झूठा सिद्ध हो जाएगा। ये मैनिफेस्टो के नाम पे, घोषणा के नाम पे, वचन के नाम पर देश को धोखा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा इस देश को देने का एक और षड्यंत्र कर रहे हैं।